प्रदेश के मुरादाबाद में आज एंटी करप्शन विभाग की टीम ने छजलेट नगर पंचायत में हैंडपंप लगाने व मरम्मत का कार्य कराने वाले ठेकेदार जितेंद्र की शिकायत पर छजलेट ब्लॉक के एडीओ पंचायत कुलदीप सिंह को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ठेकेदार जितेंद्र ने एंटी करप्शन टीम में शिकायत की थी कि उसने छजलेट ब्लॉक में हैंडपंप लगाने व उनकी मरम्मत का कार्य किया था। उसके द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण करने के बाद एडीए पंचायत कुलदीप सिंह को उसका बिल पास करना था, लेकिन एडीओ पंचायत कुलदीप सिंह बिल पास करने के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। ठेकेदार की शिकायत पर एंटी करप्शन विभाग की टीम ने 5,000 रुपए के नोटों पर रंग लगाया और उसके सीरीज नंबर नोट पर ठेकेदार जितेंद्र को दे दिए। ठेकेदार जितेंद्र एडीओ पंचायत कुलदीप सिंह को रिश्वत के 5,000 रुपए देने के लिए मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के ब्लॉक कार्यालय पहुंचा और वहां ठेकेदार ने एडीओ पंचायत कुलदीप को 5,000 रुपए दे दिए। जैसे ही एडीओ ने 5,000 की रिश्वत ली, तभी वहां पहले से ही जाल बिछाए एंटी करप्शन विभाग की टीम ने एडीओ पंचायत को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके हाथ धुलवाकर रंगीन पानी बोतलों में भरकर सील कर दिया और रिश्वत के 5,000 के रंग लगे नोटों के साथ कुलदीप सिंह को हिरासत में लेकर थाना सिविल लाइन पहुंचे और वहां तहरीर देकर एडीओ पंचायत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करा दिया गया है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी, किस जितेंद्र जितेंद्र जी किस विभाग में और आपने शिकायत किसकी और किससे की थी? सरकारी हैंडपंपों का कार्य करता हूँ, रजिस्टर्ड ठेकेदार हूँ और मैं अब ब्लॉक में सरकारी हैंडपंपों की रिवोर और मरम्मत का कार्य मैं चल रहा था। मेरा कई ग्राम पंचायतों में चल रहा, मेरी जो है पूरा मीरपुर ग्राम पंचायत की फाइलें लंबित थी, वो वहाँ सेक्रेटरी संजीव कुमार हैं, एडीओ पंचायत ये टोटल ब्लॉक देखती है, सब इनके अंडर में जाता है। जब उन्होंने मेरी फाइल नहीं करी, मैंने इनसे शिकायत करी, ये मेरी फाइल टालते रहे, मैं 4-5 महीने से परेशान हूँ। मैं एक दो बार लखनऊ भी गया एंटी करप्शन के लिए, तो उन्होंने ये कहा भी हूँ मुरादाबाद करो, तो मैं फिर मुरादाबाद में कई बार आया, उन्होंने मुझसे बताया कभी ज़्यादा परेशान हो चलो आप करते, उन्होंने कहा भी हम बिना पैसे के आपकी एक फाइल पास ही 1,500 रुपये प्रति फाइल होगी, पंचा 1,000 रुपये प्रति फाइल शिकट संजीव कुमार ने हमसे कही कि आप जो है एडीओ पंचायत को पैसे दे देना मेरे भी, ठीक है आपकी फाइल पास हो जाएगी, फाइल मेरे पास है, मैं उनसे साइन करा के आपका पेमेंट डाल दूँगा। इस बात को भी कई दिन हो गए, महीनों हो गया, दो दिन हो गए करते करते, आज जो मैंने इनसे कहा तो बोले भी ठीक है आप पैसे दे दूँगे, 5,000 रुपये बनते हैं और जो आपका पेमेंट हम डाल दूँगा। तो आज हमने पेमेंट दिया ऑफिस में, ऑफिस में बैठे थे उन्होंने पैसे दिन कर। ऑफिस कहाँ था? ऑफिस विकासखंड छजलेट में ही है इनका, सहायक विकास अधिकारी। तो क्या बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा, क्या कहना चाहिए? बिना रिश्वत के तो कोई काम ही नहीं हो रहा हूँ, तो बहुत लोग जी हूँ, तो निचले स्तर पर तो बहुत बुरी स्थिति है, सरकार को बहुत बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। जो माननीय योगी जी का जो सपना है उसे साकार ये नहीं बना दे रहे, उनका सपना सही है, उनका जो है वो बहुत बढ़िया है सिस्टम, लेकिन ये लोग सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी तो अगर जाँच हो जाए गाँव की तो ये सब लोग सेक्रेटरी जितने भी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं सब लोग नपंगे, इनका कोई सिस्टम नहीं है। किस तरह के घोटाले हैं? घोटाले हैं जैसे कामों में घोटाले हैं, पेमेंट काम कोई कर रहा है, पेमेंट किसी के नाम डाल रहे हैं, फर्म किसी की लग रही है, ये कोई जांच इस तरह की नहीं हो पा रही, कोई गुणवत्ता नहीं है काम की, सिस्टम नहीं है, इस तरह सब खराब है मामले। अब क्या कार्रवाई हुई है? अभी ने जो एंटी करप्शन हो गया अभी इनके खिलाफ कार्रवाई करी, कानूनी कार्रवाई जो भी हो। संतुष्ट हैं आप? हाँ हम संतुष्ट हैं। एक रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा हमारे यहाँ शिकायत की गई थी 9 तारीख को कि उन्होंने रिवोर कूडा मीरपुर में जो है सरकारी पंप कराए थे, उसके पेमेंट के लिए जो है उनके एक बार कई बार गए, लेकिन उन्होंने प्रत्येक पत्रावली 1,500 रुपये और अपने सचिव के 1,000 रुपये, इस तरीके से 2 पत्रावलियों के उन्होंने 5,000 रुपये मांगे थे। तो आज जो है इनको जो है छजलेट ब्लॉक से रंगे हाथ पकड़ा गया है, 5,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया है। आरोपी तो अभी तो ये कुलदीप पकड़ा गया है, लेकिन जो संजीव सेक्रेटरी है वो भी आरोप से अभियुक्त है इसका, वो आज था नहीं वहाँ। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आज तो अभी हम लेकर आए हैं,
और ये विभाग में कब से हैं, तो उनका ब्यौरा जो है हम लेंगे उनके डिपार्टमेंट से। इनकी एज करीब 44-45 साल की एज होगी इनकी, 76 का अपना जन्म बता रहे हैं।